जादूगर का चलेगा जादू या खिलेगा कमल का फूल? देखो, जादू तो मोदी जी का चल रहा है और मोदी जी का जो जिस जन सैलाब है जयपुर की धरती पे, पहली बार मैं समझता हूँ जिंदगी के, मैं 52-55 साल से अधिक मेरी आयु हो गई, मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा सैलाब किसी नेता के नाते नहीं देखा। और ये मोदी जी का ही जादू है जो देश दुनिया में चलता है, और जब अगर वो विदेश में होते हैं तब भी मोदी मोदी होता है। और जयपुर की गुलाबी नगर, गोविंद देव जी की इस पावन धरा पर जब मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी आ रहे हैं तो पलक पावड़े बिछा करके जयपुर की जनता ने जिस तरह से स्वागत सत्कार किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक पल है। हम लोगों के लिए भी गौरव का पल है कि मोदी जी के इतने नजदीक से आकर के सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, और मोदी जी की तुलना एक देवतुल्य पुरुष से कर रहे हैं कि मोदी जी है तो भारत है, और मोदी जी है तो पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चित रूप से तय है। जो भारत में G20 समिट हुई थी उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? मैं समझता हूँ जी समिट की सफलता तो निश्चित रूप से है ही, जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से पूरे विश्व के नेताओं को एक मंच पे बुला करके और उन सब से एक प्रस्ताव पारित करा लेना, ये मोदी जी के कूटनीति से लगा करके और मोदी जी के कुशल नेतृत्व की खूबी है कि वह हर किसी को अपना बना लेते हैं। निश्चित रूप से आज जयपुर की जनता जो पार्टियों से परे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। जो कांग्रेस काल जो रहा सरकार का 5 साल का कार्यकाल, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जीरो में मैं समझता हूँ 100 में से 0 नंबर है कांग्रेस सरकार को, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, बल्कि पूरे राजस्थान को गर्त में डाल दिया। जो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसको, उसकी गति को रोका है। निश्चित रूप से हम डबल इंजन की सरकार बनके राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयां देंगे, नई गति देंगे, ऐसा मेरा मानना है। महिलाएं किस तरफ है इस बार? मोदी गहलोत जी ने तो मोबाइल भी दिया है इस बार महिलाओं को। बोलो, हमारे को इन चीजों से लालच नहीं है और हमारे को मोदी जी के मोबाइल फोकट की चीजें नहीं चाहिए, हमारे को मेहनत की चाहिए। सक्षम का फोन खरीद सकते हैं मेरे भाई, लालच नहीं चाहिए। जो गहलोत जी ने मोबाइल फोन दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने दिया भी नहीं, क्या बोले थे मैंने सुना नहीं। जो गहलोत जी ने मोबाइल फोन दिया है महिलाओं को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, फ्री की चीज तो कुछ नहीं चाहिए उसका, ना मोबाइल चाहिए, ना राशन चाहिए, ना उसके सिलेंडर चाहिए, ना बिजली चाहिए, जो चाहिए वो मोदी जी चाहिए। मेहनत, धन्यवाद।